नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आज इकोनॉमी टुडे में बात होगी यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के ग्लोबल होने की, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम के नए रिकॉर्ड की, और तो और महंगाई और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सामने आई अच्छी खबर की, साथ ही कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका और मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्षों के साथ दोनों देशों में की यूपीआई सर्विस की शुरुआत। मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाएं भी की लॉन्च। पहल को बताया ग्लोबल साउथ की सफलता का प्रतीक। कहा भारत की रही है पड़ोस प्रथम नीति। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया की शुरुआत करने वाले गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम ने बनाया नया रिकॉर्ड। चालू वित्त वर्ष में 11 महीनों के भीतर जेम पोर्टल से खरीद का आंकड़ा 3 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर। पिछले वित्त वर्ष के 2 लाख करोड़ के खरीद आंकड़े को छोड़ काफी पीछे। अर्थव्यवस्था के लिहाज से अच्छी खबर। जहां एक ओर जनवरी में खुदरा महंगाई की दर घटकर 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंची, वहीं औद्योगिक उत्पादन की ग्रोथ में भी इजाफा देखने को मिला। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिर में लाल निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। और आइए शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ। जी हां, महंगाई और अर्थव्यवस्था मोर्चे पर अच्छी खबर सामने आई है। एक ओर जहां जनवरी में खुदरा महंगाई दर घटकर 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है, वहीं औद्योगिक उत्पादन की ग्रोथ में इजाफा देखने को मिला है। खाद्य पदार्थों के दाम घटने के चलते खुदरा महंगाई दर जनवरी में घटकर 5.10% रही, जो 3 महीने में इसका सबसे कम आंकड़ा है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर दिसंबर में 5.69% और पिछले साल जनवरी में 6.52% थी। इसके साथ ही औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि IIP दिसंबर में थोड़ा बढ़कर 3.8% रहा, जो नवंबर में 2.4% बढ़ा था। विनिर्माण क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार आने से औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है, मगर दिसंबर के दौरान खनन और बिजली क्षेत्र के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई। दिसंबर 2022 में औद्योगिक उत्पादन 5.1% बढ़ा था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अनाज, दूध और फलों के दाम घटने से खुदरा मुद्रा स्फीति में नरमी आई है, लेकिन सब्जियों, दालों और मसालों के दाम घटने के बावजूद जनवरी में इनकी महंगाई दर 2 अंक में बनी रही। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की बात करें तो दिसंबर में 23 विनिर्माण उद्योगों में से केवल 11 के उत्पादन में गिरावट रही। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस का कहना है कि चालू वित्त वर्ष की पहली 3 तिमाहियों के दौरान IIP की कुल 6.1% बढ़ोतरी आई, जिससे विनिर्माण क्षेत्र के प्रदर्शन का पता चलता है। उन्होंने कहा कि आगे की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए ये रफ्तार कायम रखनी होगी। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया की शुरुआत करने वाले गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम ने नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही अभी जारी है। फिलहाल इस 11 महीनों के भीतर ही जेम ने 3 लाख करोड़ रुपए सकल मर्चेंडाइज वैल्यू यानी कि GMV के रिकॉर्ड स्तर को हासिल कर लिया है। इसने पिछले वित्त वर्ष के 2 लाख करोड़ GMV के आंकड़े को काफी पीछे छोड़ दिया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के CEO PK सिंह ने कहा है कि जेम अब ग्राम पंचायतों में भी पहुंच गया है। 2,70,000 पंचायत में से 70,000 जेम ऑन बोर्ड हो चुका है। जेम CEO PK सिंह ने DD न्यूज संवाददाता रजनीश त्रिपाठी से खास बात की, देखिए। हमारे साथ जेम के CEO PK सिंह, उनके साथ बात करें। सर, जेम शहर तो पहुंच गया, गांव तक कैसे जाएगा, क्योंकि अभी गांव की आप बात कर रहे थे। नहीं, जेम गांव भी पहुंच गया है। हमारा इनफैक्ट पिछले 1 साल में जो इंटीग्रेशन हुआ है ई ग्राम स्वराज के साथ में, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के, तो 2,70,000 पंचायत में से 70,000 ऑलरेडी जेम पे ऑनबोर्ड हो चुकी हैं और कुछ हद तक उनका व्यवसाय भी चालू हो गया है जेम पे। और जिस पेस पे चल रहा है, आई थिंक, मतलब मेरे ख्याल से इस वित्तीय वर्ष में सारी पंचायत जेम पे ऑनबोर्ड हो सकती हैं। ट्रेनिंग सारी कंप्लीट हो गई है, जिसको ऑनबोर्ड कराना है, हैंड होल्डिंग करनी है, उनकी भी ट्रेनिंग हो चुकी है मल्टीपल राउंड्स। और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की अहम भूमिका रही है इसमें, उन्होंने भी बहुत इसमें वो कर रहे हैं अभी भी।
और होपफुली ये आगे जा करके सारी पंचायत जेम पे ऑन बोर्ड हो जाएंगी। एक सर ये भी सवाल है कि माइल्ड स्टोन की बात आपने की कि मील का पत्थर साबित होगा जेम आगे चल के, कैसे सर? देखिए 2020-21 में मात्र 38,000 करोड़ थे, पहली बार 21-22 में लोगों ने 1,00,000 करोड़ किया, 22-23 में हायर बेस पे भी डबल किया 2,00,000 हुआ, और इस साल हम उसको 4,00,000 कर देंगे। तो 1 का 2 फिर 2 से 4 होना, 4,00,000 करोड़ बहुत बड़ी बड़ा अमाउंट होता है प्रोक्योरमेंट में। इसको अगर हम ग्लोबल स्तर पे देखें तो अगर सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें तो हम विश्व में 1 पे हैं, टोटल की बात करें तो हम 2 पे हैं, बिकॉज कोरिया वाला में वर्क्स भी है, वर्क्स हमारे पास सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज है। बट जितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं, जितने वेराइड बायर एंड सेलर हैं जो बेस है, जितने लोगों को केटर करते हैं, उसमें हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है वर्ल्ड ओवर। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ रजनीश त्रिपाठी, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैंने अपना NPS अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था, सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना NPS नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा NPS अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माई न्यू कंपनी। NPS किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहाँ मैं वहाँ मेरा NPS अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स दे घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्लेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और आइए अब बात करते हैं आज के फोकस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका और मॉरिशस में UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सर्विस लॉन्च कर दी है। श्रीलंका और मॉरिशस जाने वाले भारतीय नागरिकों के साथ साथ भारत की यात्रा करने वाले मॉरिशस के नागरिक इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। लोकल टू ग्लोबल बनने की दिशा में यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम के रूप में माना जा रहा है, और भारत के विश्व गुरु बनने की कड़ी में एक मजबूत नींव के तौर पर इसे देखा जा रहा है। श्रीलंका और मॉरिशस में UPI सेवाओं का शुभारंभ किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ मौजूद रहे। इस दौरान मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाओं को भी लॉन्च किया गया। गौरतलब है कि भारत फिनटेक इनोवेशन और डिजिटल सार्वजनिक आधारभूत अवसंरचना में अग्रणी बनकर उभरा है। PM मोदी ने देश की विकास यात्रा के अनुभवों और नवाचारों को भागीदार देशों के साथ साझा करने पर बल दिया है। श्रीलंका और मॉरिशस के साथ भारत के सुदृढ़ सांस्कृतिक और आपसी संबंधों को देखते हुए UPI सेवाओं का शुभारंभ तीव्र और निर्बाध गति से डिजिटल लेन देन को संभव बनाएगा। इससे दोनों देशों के लोगों को फायदा होगा। इंडियन ओशन क्षेत्र के 3 मित्र देशों के लिए आज एक विशेष दिन है। अपने ऐतिहासिक संबंधों को आज हम आधुनिक डिजिटल रूप से जोड़ रहे हैं। यह हमारे लोगों के विकास के लिए हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। फिनटेक कनेक्टिविटी के माध्यम से केवल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस की ही नहीं, क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन को भी बल मिलेगा। PM ने कहा कि भारत की पड़ोसी प्रथम की नीति है। उन्होंने सागर को देश का समुद्री विजन बताया। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास भारत का लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने दोहराया कि भारत अपने विकास को अपने पड़ोसी मित्रों से अलग रखकर नहीं देखता।
भारत की नीति है नेबरहुड फर्स्ट, हमारा मैरिटाइम विजन है सागर, सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हमारा लक्ष्य है पूरे क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास। भारत अपने विकास को अपने पड़ोसी मित्रों से अलग रख करके नहीं देखता। श्रीलंका के साथ हर क्षेत्र में कनेक्टिविटी लगातार मजबूत कर रहे हैं। मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाओं के विस्तार से मॉरिशस के बैंक मॉरिशस में रुपे तंत्र के आधार पर कार्ड जारी कर सकेंगे। साथ ही भारत और मॉरिशस दोनों देशों में भुगतान के लिए रुपे कार्ड के उपयोग की सुविधा प्रदान कर सकेंगे। मॉरिशस के पीएम ने इसे अपने देश की भुगतान प्रणाली के लिए नया अध्याय बताया, तो वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कार्यक्रम के दौरान राम मंदिर के लिए पीएम मोदी को बधाई दी। The Bank of Mauritius has taken the modernization of the payment infrastructure to a higher level with the collaboration of the National Payment Corporation of India and the Reserve Bank of India. And this marks a new chapter in the history of payments in Mauritius. It's an important occasion for us. For you, Prime Minister Modi, it's a second important occasion because I must congratulate you for the opening of the Ram Mandir just a few weeks ago. This shows our connections both economically and culturally. पीएम ने विश्वास व्यक्त किया कि श्रीलंका और मॉरिशस के यूपीआई प्रणाली से जुड़ने से दोनों देशों को लाभ मिलेगा। उन्होंने एशिया में नेपाल, भूटान, सिंगापुर और गल्फ में यूएई के बाद अब मॉरिशस से रुपे कार्ड की अफ्रीका में शुरुआत होने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश डिजिटल सार्वजनिक आधारभूत अवसंरचना से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। देश के छोटे से छोटे गाँव में छोटे से छोटा व्यापारी भी डिजिटल पेमेंट्स कर रहा है, क्योंकि इसमें सुविधा के साथ साथ स्पीड भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने कि किस तरह से आने वाले समय के लिए अभी से जो निर्माण कार्य है वो किस तरह से चल रहा है, और साफ तौर पर जब हम यूपीआई की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है वो हम आपको बता रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। और आप देख सकते हैं कि यूपीआई भारत में तुरंत भुगतान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विकसित पेमेंट प्रणाली है, जिससे काफ़ी आसान हो जाता है। कई देशों ने इसे अपनाने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। तो ग्लोबल होता है यूपीआई, जो साफ तौर पर हम देख रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सर्विस और रुपे कार्ड यहाँ पर लॉन्च किया गया है। श्रीलंका और मॉरिशस जाने वाले भारतीय नागरिकों के साथ साथ जो वहाँ से आने वाले नागरिक भी हैं तो उनको भी वहाँ पर काफ़ी सहूलियत मिलती हुई नज़र आएगी। और इसके अलावा मॉडर्न डिजिटल तकनीक से इन देशों के साथ ऐतिहासिक संबंध और ज़्यादा मजबूत हो पा रहे हैं। तो ऐसे में फिनटेक के जरिए कनेक्टिविटी से ट्रांजेक्शन ही नहीं बल्कि कनेक्शन भी बनेंगे। और इसके अलावा हाल ही में फ्रांस में भी यूपीआई सर्विस की शुरुआत हुई थी, और हम देख रहे हैं कि ग्लोबली यूपीआई जो है वो और ज़्यादा विस्तारीकरण उसका होता जा रहा है। फ्रांस, श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई शुरू हुआ है। इसके अलावा रूस, यूएई और सिंगापुर के साथ जो करार हुआ है, और साथ ही सिंगापुर, नेपाल और भूटान ने भी यूपीआई को अपनाया है। और इसके अलावा कहां कहां क्या कुछ हो रहा है, इंडोनेशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के साथ बातचीत का जो दौर है वो भी जारी है। तो यूनाइटिंग पार्टनर्स विद इंडिया से बढ़ रहा है यूपीआई का दायरा। तो लगातार हम देख रहे हैं कि ये जो दायरा है और बढ़ता जा रहा है डिजिटल सेवाओं के नेटवर्क में, भारत ग्लोबल लीडर बनकर उभरता हुआ नजर आ रहा है। तो साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि लोकल टू ग्लोबल किस तरह से यूपीआई होता जा रहा है, और तमाम मापदंड भी इसके नजर आ रहे हैं। जो साफ तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि यूपीआई की जब शुरुआत हुई तो अब तक कौन कौन से ऐसे अहम पड़ाव हैं जो रहे। आप देख सकते हैं कि साल 2016 में इसकी शुरुआत हुई, और 2017 में क्या रहा, और उसके बाद 2020 में क्यूआर कोड पेमेंट्स, वॉइस कमांड और वर्चुअल असिस्टेंट सपोर्ट यहां पर देखने को मिला। साल दर साल इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। भारत क्यूआर सीमलेंस यूपीआई पेमेंट के लिए यूनिवर्सल क्यूआर कोड यहां पर जारी किया गया। रिक्यूरिंग पेमेंट के लिए ऑटो पे सपोर्ट यहां पर साल 2022 में इसमें ऐड किया गया। और उसके बाद साल 2023 में क्रेडिट लाइन पेमेंट ऑप्शन यूपीआई लाइट एक्स, जो कि ऑफलाइन ट्रांजेक्शन करता है, उसके जरिए भी टैप एंड पे, एनएफसी इनेबल पेमेंट, वॉइस कमांड पेमेंट यहां पर दिया गया। और साल 2024 जिसमें हम मौजूदा समय में देख रहे हैं कि लोकल टू ग्लोबल अब यूपीआई होता हुआ नजर आ रहा है। तो साल दर साल हम देख रहे हैं कि इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। और जब इसकी शुरुआत हुई तो सबसे पहले ये पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट इसको देखा गया, और उसके बाद लगातार साल 2016 में इसकी शुरुआत हुई, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 24 में अब ये ग्लोबल
लेवल पर पहुंच चुका है और साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि आने वाले समय में इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी नजर आएगी। तो आसान भाषा में हमने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरह से लगातार जो हम देख रहे हैं कि जो बेंचमार्क है वो सेट किया जा रहा है और लगातार कीर्तिमान जो लोकल टू ग्लोबल की कड़ी में यूपीआई रचता नजर आ रहा है वो साफ तौर पर एक कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को एक अलग गति दे रहा है और साथ ही साथ पूरे विश्व में भारत जो विश्व गुरु बनने की कड़ी है उसमें भी जोरदार तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए इसी पर हम चर्चा भी करते हैं और हमारे साथ हमारे बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एस गणेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि पूर्व कार्यकारी निदेशक आरबीआई से हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका डीडी न्यूज़ में और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि लोकल टू ग्लोबल यूपीआई की जो पहल अब नज़र आ रही है साफ तौर पर तमाम देशों में बातचीत भी हो रही है और तमाम देशों ने उसे लागू भी कर दिया है, तो ऐसे में हम आने वाली कड़ी में क्या देखें, किस तरह के बेनिफिट्स भारत को मिलते हुए नज़र आ रहे हैं और विश्व गुरु बनने की कड़ी में भारत आज कहाँ खड़ा नज़र आ रहा है? नमस्कार सभी लोगों को। कल तो एक महत्वपूर्ण दिवस था और जो यूपीआई में अभी आगे बढ़ाया है ये और कई देशों में नहीं हुआ था। इसमें जो आप देखे होंगे अंतर्देशीय में 1-2000 में आप देखे होंगे यूपीआई नहीं था, वो समय खाली हम लोग चेक या कैश के माध्यम से ही ट्रांजैक्शंस कर रहे थे। अभी 23 साल में आप देखें कि इतने ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ाया है। अभी पिछले साल 8,000 करोड़ों ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से हो गया है। ये तो अंतर्देशीय में, अगर विदेशी में जाने का है तो मान लीजिए एक पर्यटक इधर से श्रीलंका गया है या सिंगापुर गया है, हम यहाँ से पैसा सिंगापुर डॉलर या श्रीलंकन रुपये लेके जाने की जरूरत नहीं है, खाली हमारा स्मार्टफोन चाहिए, हमारा स्मार्टफोन तो सबके पास है, ये स्मार्टफोन लेके पूरे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो वहाँ जाके आप कल जैसे देखे हैं एक ट्रांजैक्शन जल्दी से जल्दी खत्म हो चुके हैं जी। तीन इसके उपाय है, एक है उसका कॉस्ट मतलब जो चार्ज होगा वो बहुत कम होने वाला है, दूसरा है सेफ्टी मतलब ये जो ट्रांजैक्शन आप यूकेपीए माध्यम से कर रहे हैं ये बहुत सेफ है, और तीन है सिक्योरिटी मतलब जो मैं कर सकता हूँ, अगर मान लीजिए आपको मैंने $10 देने का है, मैं नॉर्मली क्या करूँगा आपसे आपका अकाउंट नंबर पूछूंगा और अकाउंट नंबर आप देने के लिए थोड़ा फिक्र होगा, तो इसीलिए यूपीआई माध्यम से अगर आपको टेलीफोन नंबर ईमेल आईडी जो भी आपको पसंद से दे सकते हैं उसके हिसाब से कर सकते हैं, ये तो अभी होने वाला है। लेकिन मेरे आशा है आगे आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, ये रेमिटेंसेस है ना, मान लीजिए अगर केरल से या नागालैंड से कोई आदमी बाहर गया है दुबई गया है काम करने के लिए, उनके माँ को जो तनख्वाह से मान लीजिए वो $1,000 भेजने का है, अभी वो $1,000 भेजने के लिए 8-9% चार्जेस पे करना पड़ता है और टाइम जो लगता है उसको 1 दिन से 15 दिन तक रहता है वो पैसा इधर इंडिया आने के लिए। अगर यूपीआई माध्यम से करेंगे तो इसको चार्ज शायद नहीं होगा या जब होगा तो बहुत कम होता है, ज्यादा की ज्यादा 0.1% होगा, और इंस्टेंट मतलब अभी मान लीजिए 9:30 को दुबई से वो पैसा भेजा है, 9:35 को ये पैसा उनको माँ का अकाउंट में हो जाएगा, अकाउंट नहीं है तो पोस्ट ऑफिस में जाके ले सकते हैं कहीं पे भी, तो बहुत कंफर्ट हो जाएगा ये यूपीआई से, बहुत सेफ हो जाएगा। और दूसरे है हमको गर्व के विषय है कि पूरे दुनिया में भारत नंबर 1 है फिनटेक के माध्यम से, सेफ्टी के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से होने वाला है, तो ये तो फ्यूचर के लिए बहुत आसान हो जाएगा, कस्टमर के लिए आसान हो जाएगा, सेफ्टी के लिए बहुत ऊंचा में रहेगा। बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे हैं सर कि अंतर्राष्ट्रीय जो नंबर है उसमें भी हम काफ़ी अग्रणी भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर यूपीआई का जो डिजिटल लेन देन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इस तकनीक को हम कह सकते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, इस दौर के बारे में जब बात करें तो साफ तौर पर कितना बड़ा बदलाव इससे नज़र आ रहा है आपको और आने वाले समय में कितना और ज़्यादा भारत सशक्त होता हुआ नज़र आएगा? पहला एक है ये यूपीआई के माध्यम से ऋण मतलब लोन भी हो सकता है जी। मतलब मेरे पास अगर पैसा है इंडिया भारत में है, मैं सिंगापुर गया है और वो समय में मान लीजिए कुछ चीज खरीदने का है, मेरे
अभी अभी के लिए मैं किसी से इन भारत से बात करके पैसा भेजने के लिए बोलने का है, अभी यूपीआई इस माध्यम से ऋण भी लोन भी ले सकते हैं और इंडिया से लोन ले सकते हैं। भारत से लोन ले लेंगे तो और इंटरेस्ट रेट कम होगा और मेरे अकाउंट से होगा, तो एक दुनिया का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन होने का है। खाली पेमेंट्स नहीं है, लोन्स भी यूपीआई से होने वाला है, वो सेकेंड है। और तीसरा है यूपीआई के माध्यम से पूरे रेवोल्यूशन मतलब अकाउंट बैंकिंग का चेंज होने का है। अभी पूरे ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक के पास जाना पड़ेगा और बैंक काउंटर में जाके ट्रांसफर करना पड़ेगा। यूपीआई आने के बाद मेरे स्मार्टफोन से पूरे बैंक का जो भी फैसिलिटी है वो बैंक मेरे फोन के अंदर ही हो जाएगा, सेफ होगा, मेरे पास ही होगा और जो मैं करना चाहता हूँ वो करेगा। तो ये सब करने के लिए बहुत फिनटेक का रोल भी है, तो ज्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ेगा। ये जो आप जैसे मालूम होगा इंडिया भारत के फिनटेक में नंबर वन है, तो ज्यादा फिनटेक कंपनियों के भी रोल हो जाएगा जी, लोगों को काम करने के लिए मौका मिल जाएगा और भारत इस रोने में सबसे बड़ा रहेगा। तो मुझे लग रहा है जैसा पहले प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम ने कहा ड्रीम बिग, वैसे ही होने वाला है। भारत से भुगतान में प्रणाली में पूरे सबसे दुनिया में नंबर वन रहेगा और कन्वीनियंट भी रहेगा, यही होने वाला है 2-3 साल। बिल्कुल सर, फिनटेक की हम लगातार देख रहे हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि आप संक्षेप में थोड़ा सा जवाब दें, क्योंकि फिनटेक की जब हम बात कर रहे हैं और साफ तौर पर आने वाले कल की बात कर रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर हमने देखा डिजिटल तकनीक में, जब हम बात कर रहे हैं तो यूपीआई का बहुत बड़ा योगदान है। तमाम देशों से बात हो भी चुकी है, तमाम देशों से बात हो रही है और तमाम देशों ने इसे लागू भी कर दिया है। ऐसे में अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं ग्लोबल लीडर बनने की जो कड़ी है, भारत उसमें अग्रणी भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। जरूर, अभी आप देखे होंगे, मुझे याद है 25 साल पहले जब हम लोग एक नया सिस्टम इंडिया में शुरू किया आरटीजीएस, तो वो इंट्रोड्यूस करने के लिए हमको बाहर जाना पड़ा। हम सिखाया कि कैसा वो यूएस में किया है, यूरोप में किया है, वो पढ़ के इधर आके किया है। अभी क्या हो रहा है, वो जो एडवांस या डेवलप्ड नेशंस कह रहे हैं ना, वो लोग हमारे पास आ रहे हैं और बोल रहे हैं हमको सिखाओ कि कैसा ये रिटेल पेमेंट सिस्टम करने का, आपका सिस्टम बहुत बड़ा है, सबसे बेहतर है, तो कैसे करेंगे। तो मुझे यही आशा है और जो होने वाला है कि फिनटेक्स अगर हमारा लोग और जो हमका हमारा इनोवेशन इंटेलिजेंस जुगाड़ इसको लेके इंडिया तो आगे बढ़ने वाला है और ये सब करेंगे तो हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा, हमारा जीडीपी बढ़ेगा, हमारा ग्रोथ आगे बढ़ेगा। और जैसे मुख्यमंत्री ने कहा है या प्रधानमंत्री ने कहा है, हम $5 trillion इकोनॉमी बन जाएगा, उसके लिए ये भी एक मौका हो जाएगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसमें बड़ी भूमिका यूपीआई की नजर आ रही है, क्योंकि साफ तौर पर ग्लोबल लीडर बनने की जो छवि है वो लगातार बढ़ती जा रही है और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर भारत तेजी से अग्रसर हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण बातें हमसे साझा करने के लिए। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क करना था, समथिंग ग्रेट। पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्लेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे हो बिजनेस पढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन। लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर वन सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए आप कारोबार जगत की ओर रुख करते हैं और देखते हैं कि सेंसेक्स में क्या कुछ रहा आज, उसके आंकड़े आपको बताते हैं। तो आपको बता दें कि सेंसेक्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि 71,292 पर कारोबार कर रहा है और आज हरे निशान के साथ ये खुला है। बढ़त के साथ 219.59
की यहाँ पर बढ़त नजर आ रही है, ये है सेंसेक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं और आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 की अगर हम बात करते हैं तो 21,654 जो कि आप देख सकते हैं मामूली बढ़त के साथ आज खुला है और 38.20 पर यह कारोबार कर रहा है। हरे निशान के साथ आज निफ्टी 50 खुला है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉप गेनर्स हैं जिनकी लिस्ट आज हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कोल इंडिया है, हीरो मोटोकॉप है और NTPC है, टाटा कंज्यूम है, आइकर मोटर्स है। तो आप देख सकते हैं हरे निशान के साथ ये खुला है और मामूली बढ़त यहाँ पर देखी जा रही है 1.87% की, 1.83% की, 1.53% की, 0.88% की और 0.83% की। इसके अलावा अगर हम टॉप लूजर्स की बात करें तो टॉप लूजर्स में आज कौन कौन सी कंपनियाँ हैं आप देख सकते हैं। हिंडाल्को है जो कि 10% की यहाँ पर उसमें गिरावट नजर आ रही है, JSW स्टील है, पावर ग्रिड है, अल्ट्रा सेमको है और SBI लाइफ है। तो आप देख सकते हैं कि हालांकि मामूली गिरावट यहां पर है और लाल निशान के साथ ये आज कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 0.84% पे JSW स्टील। और इसके अलावा भी जो आप देख सकते हैं कि तमाम जो लाल निशान है वो आज के ये टॉप लूजर्स हैं जो कि मामूली आज गिरावट यहाँ पर नजर आई है। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। कोल इंडिया लिमिटेड ने दिसंबर तिमाही के लिए अपने समेकित शुद्ध लाभ में 16.9% की वृद्धि के साथ 9,069.19 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की। एक नियामक फाइलिंग के मुताबिक कोल इंडिया लिमिटेड ने बताया कि एक साल पहले की अवधि में उसका समेकित शुद्ध लाभ 7,755 करोड़ रुपए था। अक्टूबर से दिसंबर की अवधि के दौरान परिचालन में इसका समेकित राजस्व एक साल पहले के 35,169 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 36,154 करोड़ रुपए हो गया। घरेलू कोयला उत्पादन में CIL की हिस्सेदारी 80% से अधिक है। रक्षा क्षेत्र से विमानों की बढ़ती मांग और इन्वेंट्री से संबंधित लाभ के कारण HAL का तीसरी तिमाही का मुनाफा 9% बढ़ गया। कंपनी ने 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही के लिए 1,261 करोड़ रुपए का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया। सरकार के प्रयासों से दिसंबर तिमाही में जेन टेक्नोलॉजीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनेमिक्स जैसी रक्षा उपकरण निर्माताओं का मुनाफा बढ़ा है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड IPO लाने वाली कंपनियों द्वारा दाखिल दस्तावेज की जांच का दायरा बढ़ा है। भारतीय बाजार में IPO गतिविधियों में तेजी के बीच बाजार नियामक ने ये कदम उठाया है। तेजी से बढ़ रहे शेयर बाजार ने वर्ष 2023 में करीब 50 कंपनियों को अपने IPO लाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिनमें से 8 निर्गम इस साल अब तक पूरे हुए हैं और अन्य 40 को बाजार नियामक SEBI से मंजूरी का इंतजार है। भारत पे के सह संस्थापक और पूर्व प्रबंध निदेशक अश्नीर ग्रोवर ने NCLT के समक्ष एक याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने फिनटेक फर्म के बोर्ड पर लगाए गए कुप्रबंधन और दमनकारी आचरण के आरोपों में छूट का अनुरोध किया है। ये आरोप खुद अश्नीर ने अपनी पिछली याचिका में लगाए थे। इस पर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की दिल्ली पीठ ने एक नोटिस जारी कर भारत पे और अन्य उत्तरदाताओं से जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। और इसी के साथ फिलहाल इकोनॉमी टुडे में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए DD News के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।